ओम शांति। हमारा परिचय हमारी वाणी है। हम क्या बोलते, किस टोन में बोलते हैं, कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे मालूम पड़ता है। उच्चारण से हमारे आचरण का परिचय होता है, हमारे विचारों का परिचय, और साथ साथ हम कौन से परिवार से है उसका परिचय। जब यह शब्द सम्मान, स्तुति, स्नेह, श्रद्धा भाव से भरे हुए रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आरती, श्लोक, मंत्र, और तब देखते वातावरण कितना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। और जब यही शब्द इसके विपरीत होते हैं तो वातावरण कैसे बनता है। और इसलिए शब्द संभाले बोलिए, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के न हाथ न पैर, शब्द संभाले बोलिए। हमारे इस जबान में हड्डी नहीं लेकिन हड्डियां तुड़वा सकती है, इतनी ताकत है इन शब्दों में। यह शब्द अगर आशावादी हो, शांति के रस में डूबे हुए हो, उमंग उत्साह दिलाने वाले हो, स्नेह से भरपूर हो, दूसरों का सम्मान बढ़ाने वाले, उनका मनोबल बढ़ाने वाले, सामने वाले का भय दूर करने वाले, उनको निर्भय बनाने वाले, धीरज देने वाले, अगर ऐसे शब्द हो तो ऐसे शब्द दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, उनके मन को शांत कर देते हैं। जब उनका मन शांत होता है, स्थिर होता है, तो स्वाभाविक सामने वाले का स्वास्थ्य सुधरता जाता है। और इसलिए हमारे शब्द बहुत बड़ा काम करते हैं दूसरों का स्वास्थ्य सुधारने में। तो क्यों नहीं आज से हम एक बहुत अच्छा प्रण ले, एक बहुत अच्छी प्रतिज्ञा करें। आज सारा दिन हम जिनके भी साथ बात करेंगे, जिनके भी साथ हम संबंध संपर्क में आएंगे, मेरे शब्द मधुर होंगे, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होंगे, उन्हें सही मार्गदर्शन करने वाले होंगे। अगर ऐसे शब्द हम घर से शुरुआत करें तो ऐसे शब्द वर्क प्लेस पर हम अगर यूज करें तो हर लफ्ज एक महकता हुआ गुलाब हो, ना कि तलवार हो। तो अगर ऐसे शब्द निकलते जाए तो क्या बन जाएंगे, सबके लिए एंजल, फरिश्ता। तो आपके शब्द आज सारा दिन अनमोल मधुर रहे, यही मंगल कामना। हैप्पी डे।